गाइस ये जो देख रहे हैं ना आप ऑटो पे एक लड़की के साथ, ये एक डॉल है और ये भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं स्कूल से आके, और इस मतलब बहन को डॉल मिल गया है और बहन सोच रही है कि हम डॉल लेकर घर जाए, लेकिन बोल रही है कि मेरी मम्मी कोई सामान नहीं खरीदती है कभी भी, और अपने भाई से बोल रही है कि मैं इस डॉल को लेकर घर जाऊँगी। बहन भाई को स्कूल से लेने गई थी तभी रास्ते में इन्हें एक डॉल मिल गया। भाई बोल रहा है कि मम्मा मना करती है कि कोई भी सामान रास्ते पे गिरा हुआ घर लेके नहीं जाना, तो बहन बोलती है मैं क्यों नहीं जाऊँगा घर लेके सामान, क्योंकि माँ तो कुछ खरीदती नहीं है और तुम जा यहाँ से, कौन होते हो बोलने वाला। फिर भाई गुस्सा हो जाता है और मैं अभी गुस्सा हूँ, जा रहा हूँ घर, चलो बाय, मैं जा रहा हूँ बहन। फिर भी भाई को रहा नहीं गया है, बहन को आया है समझाने, बहन नहीं मान रही है, बोल रही है कि मैं इस डॉल को लेकर घर ही जाऊँगी। भाई बोलता है कि तुम घर जाओगी तो माँ तुम्हें पिटाई करेगी, लेकिन ये बहन सुनने को तैयार नहीं है और डॉल को लेके घर जा रही है। भाई के लाख मना करने पे भी बहन नहीं मान रही है और बहन बिखरी बिखरी बातें करने लग रही है, क्यों ये लड़की है ना डॉल के बस में आ गई है और बोल रही है मैं आज रात को सबको मार डालूंगी। तब तक भाई ये सुन लिया है और दौड़े 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 चला गया, फिर उसको रह नहीं गया है। कौन कौन अपने भाई बहन से प्यार करता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। भाई इसे बाद में छोड़ के चला गया है, बहुत समझाया है नहीं मानी है, तो बाद में भाई माँ से कहने चला गया और डॉल उस लड़की के अंदर घुस जाती है, जिससे लड़की उल्टा चाल चलने लगती है और लड़की उल्टी दिखने लगती है। लड़की जब घर के पास पहुँचती है लिफ्ट से, तो भाई अचानक घर पहुँच चुका रहता है। लड़की जब घर आती है तो माँ से पूछती है माँ भाई कहाँ है, तो माँ बोलती है भाई खाना खा रहा है, तुम भी आके खा लो। तब तक भाई है ना बहन को देख के बहुत डर जाता है, कांपने लगता है और खाना छोड़कर उठ जाता है। लड़की आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अपनी माँ का गला दबा देती है जोर से, क्योंकि उसके अंदर गुड़िया का आत्मा घुस जाता है। और लड़की अभी बहुत मतलब लड़की के अंदर बुरी आत्मा घुस चुकी है। भाई समझा रहा है कि तू पागल तो नहीं हो गई है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। भाई रूम में जाता है, डर के कारण बेड पे चढ़ जाता है। तभी उसको याद आता है कि मेरे पास एक जादुई स्प्रे है, मैं अगर बहन के ऊपर मारूंगा तो बहन बेहोश हो जाएगी और स्प्रे करूंगा तो तभी वो बहन पे अटैक करने लगता है। बहन रूम में धीरे धीरे चल कर आती है और सोचती है कि मैं भाई पे अटैक करूंगी या भाई को भी माँ जैसा मार डालूंगी। तभी भाई स्प्रे डालता है और बहन बेहोश होकर गिर जाती है। भाई सोचता है कि ये गुड़िया के ही कारण सब भाई कुछ गुड़िया हो रहा है और उठाता है और धीरे धीरे घर से बाहर जाता है और गुड़िया को घसीटते हुए बाहर जाता है, क्योंकि ये गुड़िया जब तक रहेगी घर में तबाही बचा देगी, और बाहर फेंक देता है, दरवाजा जल्दी से बंद करता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो 100,000 लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए अगला पार्ट जानने के लिए कि माँ और बहन के साथ क्या हुआ। तब तक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में